लगातार तीसरे दिन जल रहा है पाकिस्तान। हिंसा वाले इलाकों में आर्मी ने संभाला मोर्चा। अब तक 1000 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार। पीटीआई ने कहा 47 कार्यकर्ताओं की हुई मौत। यूएन में चीन पाकिस्तानी टेरर का फिर हुआ बेनकाब। जैश सरगना मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ को ब्लैकलिस्ट होने से बचाया। भारत के प्रस्ताव पर लगाया अड़ंग। अमृतसर में गोल्डन टेंपल के इलाके में फिर धमाके की खबर। पुलिस का बयान, 12:15 बजे मिली जानकारी। अभी घटना की जांच कर रहे हैं। 6 और 8 मई को भी हुए थे धमाके। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज का दिन अहम। सीएम शिंदे समेत 16 विधायकों की योग्यता पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। दिल्ली सरकार और एलजी की जंग पर भी साफ हो सकती है तस्वीर। अफसरों के नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। 2024 में बीजेपी के खिलाफ मोर्चे की कवायद तेज। आज उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिलेंगे नीतीश कुमार और तेजस्वी। राहुल अखिलेश समेत कई विपक्षी नेताओं से पहले कर चुके हैं मुलाकात।